हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पहला विज्ञान का पेपर था जिसको लेकर बच्चों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। स्कूल के प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों को बहुत पहले ही परीक्षाएं देने की तैयारी करवाई जा चुकी है। बच्चों के कुछ महीने पहले ही टेस्ट लिए गए थे और वो भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, जिससे बच्चों के दिल में किसी तरह का भय ना रहे। प्रधानाचार्य ने बताया कि 10वीं कक्षा का विज्ञान का पेपर था और बच्चों में किसी भी तरह का डर नहीं था। कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, बच्चों को पहले ही हम लोगों ने प्रैक्टिस करवाई है। सीसीटीवी कैमरा के अंदर उनके प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं तो उनको पहले ही इस चीज़ का आभास है कि अंडर सीसीटीवी कैमरा की वो सर्विलेंस में एग्जाम हुए हैं। तो बच्चे ऐसे फ्री एंड फेयर हैं, कोई ऐसा नहीं, प्रेशर नहीं है उनके ऊपर ऐसा ही। बच्चों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें किसी भी तरह का कोई डर नहीं था, क्योंकि स्कूल के प्रधानाचार्य ने पहले ही सीसीटीवी कैमरे में पेपर लिए थे। क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे डर जाते हैं कि यहाँ कैमरे लगे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों के दिल में डर होता है कि फ्लाइंग या कैमरे लगे होने से पेपर अच्छा नहीं होता है। इसके लिए स्कूल के प्रधानाचार्य ने हमें पहले ही तैयार कर रखा था। जो भी हमारे पहले पेपर हुए हैं वे सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हुए हैं। इस कारण ही उनका आज का पेपर अच्छा हुआ। चंपा है और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हमारा साइंस का पेपर था और हमने कैमरे के सामने पेपर किया। हमारे ऊपर कैमरे का कोई प्रेशर नहीं था, बहुत अच्छा पेपर हुआ हमारा। और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमारे स्कूल में एग्जाम हुआ और हमने बढ़िया एग्ज़ाम किया और हम पर कैमरे का कोई दबाव नहीं था। हमने एग्ज़ाम कैमरे की निगरानी में अच्छा एग्ज़ाम दिया। एच टुडे के लिए बिलासपुर से जम्वाल की रिपोर्ट।